ऋषिकेश में उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मंत्री कार्यक्रम से निकलकर अपनी कार से जा रहे थे। इस दौरान वो जाम में रुक गए। तभी वहां ऋषिकेश के ही रहने वाले सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के शख्स का किसी बात को लेकर मंत्री जी से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंत्री जी के सुरक्षाकर्मी के साथ खुद मंत्री जी ने भी बीच सड़क पर युवक की जमकर धुनाई कर दी। कार्यक्रम से मैं जहां पे खड़ा हूं उस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहां डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहां से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह ने कि आप जानते हैं सर, क्योंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है लेकिन लोग उसे ब्लैक मिलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे भेजा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल परमार्थ निकेतन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह नेगी उनकी गाड़ी के पास आकर गाली गलौज करने की कोशिश कर रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया तो युवक ने उन पर हमला कर दिया, उनका कुर्ता भी फाड़ दिया। कुर्ते की जेब में जो भी सामान पैसे थे वो सब गायब हैं। गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक, उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, उसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी गाई तो ये पटना। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया ताने दौरान ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि आरोपी सुरेंद्र सिंह के साथ एक अन्य युवक ने भी उनके साथ बदसलूकी की और इस पूरी घटना के बीच मंत्री जी की कार पर ईंट भी फेंकी गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र सिंह नेगी को हिरासत में लिया है। उधर मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कोतवाली के बाहर आरोपी युवक सुरेंद्र के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। 16 सालों से ऋषिकेश की जनता भलीभांति जानती है और उत्तराखंड की जनता भी भलीभांति जानती है। ये व्यक्ति का गुस्सा नाक में रहता है, हमने तो इनका नाम लिखा है अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों होता है, ये सवाल हमारा हमेशा रहा है। इन व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी उनसे बदतमीजी करने का काम किया, इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक नगर पालिका अध्यक्ष उनसे बदतमीजी करने का काम किया, इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक महिला कुछ महिला फ्लाईओवर हरिपुर फ्लाईओवर को लेकर उनसे कुछ मांग कर रही थी उनसे बदतमीजी करने का काम किया गया, इन्हीं के द्वारा पूर्व में कुमारपाड़े में रोड के लेके अपनी मांग को लेकर एक वृद्ध महिला अपनी मांग को लेकर आई थी उससे बदतमीजी करने का काम किया। आज आप समझ लीजिए गुंडागर्दी के साथ साथ नारेबाजी भी लगा है, विधायक की गुंडागर्दी। हम ये चाहेंगे जिस तरह से विधायक ने और विधायक के गनर ने उस व्यक्ति को पीटा और उस व्यक्ति ने अगर गलती की उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सीएम धामी के मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हाथापाई के आरोपियों को गायब करने का आरोप लगाया है। वहीं खबर मिलते ही वहां भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।